आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से रोजा N12 रोजा बाग के अंदर, और आज यहाँ की जनता की क्या मसले मसाइल है आइए हम जानते हैं। हेलो, क्या प्रॉब्लम है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये मेन रोड है, ये तकरीबन 20 साल से बना नहीं है रोड, ये और यहाँ से मस्जिद से दावाई रोड, हाँ औलिया मस्जिद से दावाड़े रोड तक जो है ये रोड बड़ा रोड है, और यहाँ पर 10-20 कॉलोनीज आके अप्रोच होती है इसको। यहाँ पर 4 कारपोरेटर अभी तक गुजर चुके हैं, लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने सुना है कि इसका जो बजट आया था ये दूसरे झोपड़पट्टी टाइप में उधर बेल्ट में इसको जो यूटिलाइज कर लिया गया। इतने साल से रोड नहीं बना अंकल? 20 साल हो गए तकरीबन, 20 साल हो गए, 4 कारपोरेटर गए यहाँ से। 30 ईयर्स? हाँ, सिंस फ्रॉम 30 ईयर्स। टैक्स वैक्स तो पूरा पे करते हो? पे करते, वाटर टैक्स, पानी टैक्स, प्रॉपर्टी, हर चीज़ के टैक्स अदा करते हैं उसके बावजूद भी। और ड्रेनेज की लाइन भी यहाँ पे बस्ट हुई हुई है और पानी की लाइन भी है, और ये जो स्लोप होने की वजह से क्या होता है कि पूरा पानी यहाँ आके लोगों के घरों में चले जाता है, और बारिश के टाइम में, बारिश का सीज़न है, अब देखिए नाले वगैरह की सफाई नहीं हुई अभी तक यहाँ पर। और पांडे जी से हमारी ये अनुरोध है कि भाई हमारे को स्मार्ट सिटी बोलते हैं, अब स्मार्ट सिटी तो किसी एंगल से नहीं दिखती हमको। देखिए ये रास्ता जो है मस्जिद को जाता है, औलिया मस्जिद, और यहाँ पे जो सो ड्रेनेज का वाटर ओवरफ्लो होने की वजह से जाने को दिक्कत होती है, और ये नल का पानी वगैरह जितना भी जो ओवरफ्लो होता है उससे रोड ख़राब होने की वजह से औलिया मस्जिद टू डाबाड़े सुपर मार्केट तक का रोड बनना चाहिए। हमने बहुत दफ़ा रिप्रेजेंटेटिव दिए लेकिन किसी ने उस पर एक्शन नहीं किया है, लिहाजा इसको जल्द से जल्द काम करने की कोशिश किया तो बेहतर रहेगा। हमारी मांग है रोड अच्छी तरह से बनना चाहिए, और ड्रेनेज लाइन का जो निज़ाम है वो बराबर होना चाहिए, और ये जो नाला वगैरह जो ओवरफ्लो हो रहा है उसका भी जो सो देखना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि बरसात में पूरे रोज़ेबाग का ग्राउंड का पानी यहाँ से जाता है, तो रोड पूरा नदी में कन्वर्ट हो जाता, और जो घर के जो प्लिंथ लेवल कम है उनके तो घरों में पानी आ जाता, कार बह के चले गई थी एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये तो एक तो रोड भी होना चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का ठीक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें मुश्किल ये है कि वो पानी कहीं और से आके ये नदी बन जाती पूरे, और यहाँ तो आप अभी तो आज आप देख रहे हैं आज थोड़ा सा खुला है, नहीं तो घर के अंदर जाना मुश्किल है लोगों को। ये रोड 25 साल से बना नहीं, ये रोड TV सेंटर से अजंटा औलिया मस्जिद के पास जाके मिल रहा, ये औरंगाबाद से निकल रहा रोड जो अजंटा हाईवे उसको ये रोड मिल रहा जाके हाईवे को, ये 20-25 साल से रोड बना नहीं है। जब फर्स्ट में डेवलप हुआ था वही डेवलपमेंट जो है वही है बस, उसके बाद में रोड बना नहीं। ये रोड जो ऐसा है कि डीप में चले गया, पहले लेवल में बनाए थे अब वो लेवल कम होके ये रोड डीप में चले गया, और यहाँ जब बारिश होती है तो बारिश में ऐसा पानी जमता है कि पैदल चलने वालों को और दमास को जाने वालों को तकलीफ़ होती है, और यहाँ पर जो आसपास लोग रहते हैं उनके घरों में जो पानी जमा होकर सीधा घरों में घुसता है। तो पांडे साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप स्मार्ट सिटी का ख्वाब बता रहे हैं जनता को, तो वैसी जनता को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए और डेवलप करने के लिए आपका सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड होना चाहिए, और आप पूरे औरंगाबाद को स्मार्ट बनाना चाह रहे, ये जनता भी चाहती है कि बनाना चाहिए, लेकिन पहले जो मेन डेवलप है रोड का, ड्रेनेज लाइन का, ये मेन है, और जनता को पानी पीने का जो प्रॉब्लम है ये मेन 3 प्रॉब्लम पहले है, और बाद में सारी जनता को स्मार्ट सिटी बाद में बनाओ आप, लेकिन पहले जो सुविधा है वो मेन सुविधा जनता को जो चाहिए वो आप प्रोवाइड करो, इतना हमारी रिक्वेस्ट है सर से, पांडे सर से। तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि ये रोड, मैं यहाँ पे तकरीबन 28 साल से यहाँ रहता हूँ, तो जब से अभी तक ये रोड का कोई काम ही नहीं हुआ, और काम होता है तो वो भी ऐसी मिट्टी में काम करके चले जाते हैं वो लोग, और हम लोगों को इतना प्रॉब्लम है बारिश में कि हमारे घरों में पानी घुस जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है हम लोगों का, और हमारे आधे आधे गाड़ियाँ भी उसके अंदर डूब जाते हैं। तो ये VIP एरिया होने की वजह से यहाँ खासदार भी रहते हैं, तो खासदार भी रहते हैं और कोई इसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो क्या वजह क्या है इसकी? क्यों? तो हम लोग टैक्स पेयर करते हैं, पानी का टैक्स भरते हैं, नल का टैक्स भरते हैं, वो घर टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, और जो नल जो आता है ऊपर के कॉलोनी में 2-3 घंटे पानी चलता है, और हमको आधा घंटा क्यों, क्या वजह है ये? ऐसा है जिनके जिनके सोर्स थे उन्होंने अपनी इंटरनल रोड बना लिए, जो मेन रोड है जिस पर आम आदमी का चलना है उसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। इंटरनल रोड पे भी स्पीड ब्रेकर बताए कि वो कार और स्कूटर ले जाना मुश्किल है। हमारा ये बोलना है कि इस रोड को सीमेंट का बनाया जाए। आप ये देखिए पानी पूरा यहाँ पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए पूरे रास्ते में, उधर कीचड़ है अभी तो कम है, और बारिश में सारा पानी घरों में घुसता है, पूरा यहाँ पर तालाब बन जाता है बारिश में, अतराफ का ड्रेनेज चौकअप होता है, ड्रेनेज से पूरा पानी उबलता है,
ये सारे काम करवाने का हमारी इनसे रिक्वेस्ट है कि सारे काम जल्द से जल्द करवा दें। ये रोड का बहुत बहुत प्रॉब्लम है, ये हमारा मकान है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से हमारे घरों में पानी घुस जाता है, ड्रेनेज का पानी भी अंदर आ जाता है और 25 साल से प्रॉब्लम है, वो कोई ध्यान नहीं देता इधर, और ड्रेनेज का भी ड्रेनेज फूट जाता है तो सब बास आती है, तो इधर घरों में पानी चले जाता है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड, ड्रेनेज का प्रॉब्लम हल हो जाए, नल का हो जाए, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी काम होने को। तो आज आपने देखा, हमने यहाँ पे रोज़ाबाग की जनता से बात की है और यहाँ की जनता की एक ही मांग है कि इन्हें जो 20 साल से जो यहाँ पे जो रोड नहीं बनाए, इनकी मांग है म्यूनसिपल कमिश्नर पांडे साहब से कि यहाँ की रोड सीमेंट रोड जल्द से जल्द बनाया जाए। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MGN समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।